हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम, जैसा कि आपको मालूम है, कल की डेट से यानी कि 30 सितंबर से आपका एसएससी का जो एमटीएस का एग्जाम होना है वो स्टार्ट हो जाएगा। आई होप आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी हुई होगी और आप बिल्कुल इस एग्जाम को फोड़ कर आने वाले हैं। ठीक है, तो सभी को मेरी तरफ से सबसे पहले तो ऑल द बेस्ट है। कल के लिए अच्छे से अपना पेपर देके आएगा और नेगेटिव क्वेश्चन जो है बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि नेगेटिव के चक्कर में आपका जो सिलेक्शन है वो रुक जाता है। ठीक है, जितने आपको आते हैं उतने ही कीजिए। हाँ, अगर नहीं बन रहे तो फिर आप गैस कर सकते हैं, 4 से 5 गैस कर सकते हैं, उससे आप ज़्यादा गैस मत करिएगा। ठीक है, और स्पीड में आपको जो है सवालों को सॉल्व करना, इस चीज़ का बेहद ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए। तो कल जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपका क्या होता है, एडमिट कार्ड होता है, उसके साथ कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। ठीक है, थीके? कि आपको एडमिट कार्ड के साथ क्या क्या चीज़ें लेकर जानी है, क्या क्या चीज़ें नहीं लेकर जानी है। बहुत से स्टूडेंट ऐसे थे जो कि अभी सीजीएल का एग्जाम हुआ था, वहां पर कुछ चीज़ें लेके नहीं गए थे, जिसके कारण उन्हें एंट्री लेने नहीं दिया गया था, या जो वो चीज़ लेके गए थे वो गलत लेके चले गए थे, जो जिस कारण से उनको वहां पर पेपर देने नहीं दिया गया था, तो जिस कारण वो उनका पेपर इस साल छूट गया। तो आप वो गलती मत करिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि जिन लोगों ने भी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है, कि एडमिट कार्ड कैसे वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपको एडमिट कार्ड आपने डाउनलोड नहीं किया है तो कैसे कर सकते हैं, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है द एग्जाम हेल्पर। आप टेलीग्राम पर जाना, इसे सर्च कर देना। ठीक है, मैंने भी रिसेंटली अपडेट कर दिया है। ठीक है, तो वहाँ पर आपको सभी जितने भी 9 रीजन 9 9 अपने रीजन्स हैं उनकी मैंने यहाँ पर क्या दे दी है, लिंक दे दी है। ठीक है, सभी जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप उसकी वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे और वहाँ से आप अपना एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो जाइए वहाँ से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसने भी नहीं किया। ओके, चलिए देख लेते हैं आपको क्या क्या यहाँ पर लेके जाना। ठीक है, चलिए तो यहाँ से देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सबसे पहली बात है कि आपको टाइम से एग्जाम सेंटर पहुँच जाना है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी थे जो कि बिल्कुल अगर उनको 30 सेकंड भी लेट हो गया ना तो उनका एग्जाम देने नहीं आया। ठीक है, तो सबसे पहले तो टाइम से पहुँच जाना। जो भी आपका एडमिट कार्ड है, किसी भी कलर में, ब्लैक एंड व्हाइट हो या रंगीन हो, वो आपका चल जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ और कि जो भी कैंडिडेट बोल रहे हैं कि मेरा एडमिट कार्ड नहीं निकला है, तो आपको सिटी मालूम पड़ गया होगा। ठीक है, सिटी, और जो आपका एडमिट कार्ड है, जिस जो आपकी डेट होगी, जैसे अगर किसी की डेट 5 अक्टूबर है, तो उसका वो एडमिट कार्ड है 1 अक्टूबर को शो करेगा। ठीक है, यानी कि 4 दिन पहले। ठीक है, तो ठीक एग्जाम से 4 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड दिखेगा। ठीक है, तो कोई भी कलर में आप एडमिट कार्ड ले जा सकते हैं और उसकी 2 कॉपी निकाल के जरूर रखिएगा, क्योंकि इन फ्यूचर वो काम आने वाली। और यहाँ से जो आपको वेरीफाइड कॉपी मिलेगी उसको आपको संभाल के रखना है। ठीक है, क्योंकि जब आपका आगे की जो प्रोसेस होगी वहां पर उसको एडमिट कार्ड को वो मांगते हैं। ठीक है, तो उसको संभाल के रखना। तीसरी, एक ओरिजिनल आईडी कार्ड लेके जानी है, कोई भी आईडी कार्ड हो सकती है, जैसे कि आपका आधार कार्ड हो सकता है, ठीक है, या आपका पैन कार्ड हो सकता है, या आपकी 10th की मार्कशीट हो सकती है, जिस पर फोटो भी हो और आपकी डेट ऑफ बर्थ भी। ठीक है, फोटो वाली हो एंड DOB वाली हो। ठीक है, और ध्यान रखना जो आपके एडमिट कार्ड पर डेट ऑफ बर्थ है वही सेम डेट ऑफ बर्थ यहाँ मैच होनी चाहिए, अगर नहीं है तो 2-3 मल्टीपल ID आपको लेकर जानी है। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए, चौथा है वाटर बॉटल लेके जानी है, जो कि ट्रांसपेरेंट हो, जिसमें आर पार देख सकें। ठीक है, और मतलब स्टील वाली नहीं लेके जाना है, प्लास्टिक की, प्लास्टिक वाली लेके जाना, बट कैसी हो, ट्रांसपेरेंट हो, आर पार दिखे। ठीक है, चलिए अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि इसके बाद इंपॉर्टेंट है कि क्या नहीं लेकर जाना। ठीक है, ये भी जरूरी है कि भाई क्या नहीं लेकर जाना है हमें, तो देख सकते हैं यहाँ पर क्या नहीं लेकर जाना है। सबसे पहले तो बहुत से बच्चे ले जाते हैं फोटो लेके चले जाते हैं, आईडी, और जो आपका ओरिजिनल आईडी कार्ड होता है उसकी फोटो कॉपी लेके चले जाते हैं, तो ये बिल्कुल भी नहीं ले जाना है। ठीक है, फोटो आप डाल के ले जा सकते हैं इन फ्यूचर अगर जरूरत पड़ सकती है, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी तरह की, ना ही आईडी की फोटो कॉपी, ओरिजिनल चीज़ें ले जानी है आपको। ठीक है, इसके अलावा सेकंड है पेन एंड पेपर। बहुत से बच्चे पेन एंड पेपर लेके आते हैं, वहाँ पर आपको पेन एंड पेपर मिलेगा, SSC के इंस्ट्रक्शन में साफ साफ लिखा हुआ है, ये भी आपको नहीं ले आना है। इसके अलावा बहुत से स्टूडेंट गलती करते हैं कि वो बेल्ट हो गया या रिंग हो गई, सोने वगैरह की हो गई, ठीक है, चांदी की हो गई, या कोई भी कड़ा हो गया आपका सोने का, चांदी का, या नॉर्मल हो गया, या कोई भी मेटल्स के आइटम है, इयर रिंग्स वगैरह जैसे हो गई, तो वो पहनकर चले जाते हैं वहाँ पर, वो उनको उतरवा देते हैं और वहाँ से चीज़ें मिस भी हो जाती है। तो घर से ही आप इन चीज़ों को अवॉइड करके चलिएगा, ऐसी कोई भी मेटल के आइटम पहन के मत जाना वहाँ पर। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना, और ज़्यादातर हो सके तो चप्पल पहनकर जाना, क्योंकि शूज़ भी वो कभी कभी उतरवा देते हैं। ठीक है, और जो आपका शर्ट है वो या तो फुल लेंथ हो, उसको फोल्ड वगैरह करके मत जाइएगा। ठीक है, इतना आपको करना है, ये चीज़ें आपको लेकर जानी है। इसके अलावा मैं बात करूँ, अगर आपका एग्जाम आने वाले दिनों में, तो एक बार ये वाला मेरा वीडियो है जिसमें मैंने 500 GK के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रखे हैं, जो कि SSC के प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए थे, तो इसको एक बार जरूर जाके देख लेना। मेरा जो सेकंड चैनल है ना, वहाँ आपको मिल जाएगा, आप यूट्यूब पर डाल देना द एग्जाम हेल्पर, ठीक है, और GK आगे लगा देना बस। ठीक है, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ये वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, इसको जाके देख लेना और 2x पर देख लेना भले। ठीक है, चलिए, और देखिए यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन लिखे हुए थे कि क्या क्या ले जाना, तो वही मैंने आपको वहाँ पर पढ़कर बता दिया। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं है। मैंने देखो जो फोर्थ इन्होंने बोल्ड करके रखा है कि प्रवेश पत्र को अंतिम परिणाम तक सुरक्षित रूप से रखना जाना चाहिए, खो जाने की स्थिति में दोबारा रोल नंबर नहीं दिया। ठीक है, तो उसको लास्ट तक संभाल के रखना। ठीक है, इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना, और जैसे ही उसका कल हमारा सिनेरियो पता चलेगा कि क्या क्या एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो एक ओवरऑल आइडिया आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चंस तो हालांकि नहीं बताने को मना किया एसएससी ने, बट एक ओवरऑल आइडिया है कि किस किस सेक्शन से आ रहा है, तो वो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। तो उसके लिए चैनल को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।